हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल अक्रॉस विद रोहिणी। चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आजकल हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स के ज़माने में जी रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बूंदी शहर आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको उस वेन्यू पे ले चलती हूँ। और अगर आप लोग बूंदी के रहवासी हो और आपके किसी फंक्शन के लिए कोई वेन्यू ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए ब्लॉग ज़रूर मददगार साबित होगा। और आप इस लोकेशन और इस वेन्यू का विचार कर सकते हो। इस वेन्यू का नाम है सांवरिया मैरिज गार्डन। यहाँ पे आप कई सारे फंक्शंस सेलिब्रेट कर सकते हो। और यहाँ हम लोग वेन्यू पे पहुँच गए हैं और देखने में ही बहुत बड़ा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं सांवरिया मैरिज गार्डन इस वेन्यू पे। किसी भी फंक्शन के लिए अगर हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें गाड़ी पार्किंग के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सफिशेंट जगह है पार्किंग के लिए। और ये पूरा बड़ा लॉन है, तो आप यहाँ पे भी आपके सारे फंक्शंस कर सकते हो। और ये पूरा ये जो है ये सांवरिया मैरिज गार्डन है। ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है जहाँ पे आप आपके रिचुअल्स या फिर जो कुछ भी फंक्शन हो वो कर सकते हो। और फर्स्ट फ्लोर पे रहने की सुविधा है। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स दिए हुए इन्होंने। तो अगर आप लोग आपके कुछ मेहमानों को यहाँ पे स्टे करने के लिए इंतज़ाम करवाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्राउंड फ्लोर पे जो हॉल है वहाँ पे जाने के लिए दो एंट्री गेट दिए हुए हैं और हॉल काफ़ी स्पेशियस है। चलिए मैं आपको हॉल के अंदर ले जाती हूँ। और यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस है। और आपको ऐसे ये स्टेज भी मिल जाएगा जहाँ पे आप आपके थीम के अनुसार जो कुछ आपको डिज़ाइन करवाना हो आप वहाँ पर करवा सकते हो। और अब आपको ले चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे रहने की सुविधा की जा सकती है। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं और उस कमरे के भी पैटर्न्स भी आपको दो तीन तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि एक कमरे में 7-8 बेड्स लगे हुए हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। कुछ अगर आपको रात को गप्पे लड़ाने हो या फिर कुछ गेम्स खेलने हो, तो वो चीज़ें आप उस रूम में कर सकते हो। या फिर कपल के लिए जैसे अगर आपको अलग से कोई कमरा देना हो, तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और ये इस तरह की ऐसी बालकनी दी हुई है, तो आप यहाँ से आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो। अभी रूम्स ऑक्यूपाइड है, इसलिए मैं आपको रूम्स अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम्स है सारे। और ये यहाँ से सामने का गार्डन दिख जाता है, लॉन दिख जाता है। यहाँ पे भी सारे कमरे हैं, आपको जिस टाइप का कमरा चाहिए आप उस टाइप से ले सकते हो। काफ़ी स्पेस है। और आसपास कहीं रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, पूरे फार्म्स लगे हुए हैं।
और फर्स्ट फ्लोर पे ही एक ऐसा एक छोटा सा हॉल बनाया हुआ है जहाँ पे आप सुबह ब्रेकफास्ट या फिर और कुछ आपको स्नैक्स वैक्स रखने हो, जो मेहमान रुके हुए हैं उनके लिए अगर आपको कुछ खाने पीने की सुविधा करनी हो तो आप इस हॉल में कर सकते हो। ये फर्स्ट फ्लोर पे है ताकि आए हुए मेहमानों को बार बार नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे उनके लिए चाय पानी या फिर नाश्ते की सुविधा कर सकते हो। और यह है ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे आप लंच का या फिर डिनर का इंतज़ाम कर सकते हो। और ये है सांवरिया होटल का रात का नज़ारा, बहुत सुंदर दिखता है रात को। और यहाँ पे जनरेटर्स की सुविधा भी दी गई है क्योंकि छोटे शहरों में कई बार लाइट चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे उन्होंने जनरेटर्स की भी सुविधा दी है। सुबह हल्दी का प्रोग्राम था तो येलो कलर की थीम थी और अभी संगीत नाइट है तो कुछ इस तरह से ये स्टेज को डेकोरेट किया गया है। स्टेज भी काफ़ी बड़ा है, आप लोग 12-13 अगर लोग यहाँ पे डांस करना चाहते हैं ग्रुप तो काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा। कुल मिला के मुझे ये सांवरिया होटल बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई है और आपके फंक्शन के लिए जो जो सुविधाएं आवश्यक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिर्फ अभी जब हम लोग गए थे तब सिर्फ मुझे दो ड्रॉबैक्स दिखे कि यहाँ पे वाईफाई नहीं है, लेकिन अगर आप फंक्शन पर्पज़ से आए हो तो अगर वाईफाई की ज़रूरत नहीं है तो वो ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते। यहाँ पे इनका खुद का कैटरिंग नहीं है अभी तक, हो सकता है इन फ्यूचर में वो कैटरिंग की भी सुविधा करवा दे। बाकी कुल मिला के ये सांवरिया होटल बहुत ही बढ़िया लगा। सो गाइज, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।